गुरुदेव अयो मैडम मैडम देख ली तो
आप इंपारा जो साथ में विदेश में इंपारा इंडिया जो अत रस्तो को नहीं आप इंडिया जो बटने को ना नहीं वाजी जो वही तो वही ना वही पहुंचे तो हम लोग अंकल वही तो ओके Okay.
दो दो ग्रहण रोक है अगला कोई नहीं दिख रहा मैं एक भी नहीं दिख रही मैं एक भी नहीं दिख रहा बाकी ना दिख रहा एक भी नहीं दिख रहा दो नहीं दिख रहा वहां पे ये सारा अलग दिख रहा नाम सब बेच दिख रहा कुछ नहीं आओ रोको जरा यहां पर सब सुनते मत हो साइड में करो ना सब क्यों सनी वन साइड होने से Thank you.
जीप मान जाए अरे बाप Baby, baby.
சந்தோஷமா இருக்க போல ரொம்ப ஜாலியா இருக்கீங்க போல Thank you.
ये
भगवान के
जनता आ जाती है, उनकी वाणी से, उनकी रजिस्टर से, उनकी ऐसा अपने देखा है, मैंने उनके बारे में समझा है, सुना है, इतने अनुभव था कि उनके जीवन में प्रभावित उनकी संयम है कि अब जो नमक होता कि उन्हें बनाने का हम उन महापुरुषों के पूरे लगाने का सबसे यानी अपनी याद को पाने के लिए उनकी स्मृति को जानने के लिए उनकी स्मृति को हमने देखा है कि उनकी स्मृति से अपने जीवन में कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकते हैं। हम महापुरुषों की स्मृति भी गाते हैं। हमसे कोई संबंध नहीं है, हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी यादों को अपने उस तप त्याग का इतना प्रसन्न कहराया है, लहराया है, तो उनके त्याग को देखकर अपने जीवन में याद आ देखते उन्होंने नमक की लता बहन इस मार्ग में जारी है, संयम के त्याग में त्याग के रास्ते में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने जीवन में त्याग धारण किया है। तो आज उन्होंने महापुरुषों को गुणवाणु सभा रखी है, उस गुणवाणु में अपने को देखना है कि हम भी कुछ ना कुछ त्याग करें, कुछ ना कुछ नियम है, तो ये हमारे महापुरुष का यह दिवस मनाने का चार सौ चार बिल्कुल सत्या अभी कैमरा पे कैमरा पे कैमरा बैक नहीं रहा है महावीर स्वामी के चरण कमलों में हृदय की शुद्ध भावना के साथ अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन। श्रवण संघीय आचार्य भगवान ध्यान योगी वर्षिता पराधक डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। मारवाड़ प्रवर्तक वडोदरा के लाल परम पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब प्रवर्तक श्री जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। परम पूज्य परमादरणीय तपस्वी उपवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब बागेश के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघीय उपवर्तक प्रवचन गज के श्री परम पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब के चंद कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। परम पूज्य परमादरणीय मधुर गायक पूज्य श्री महेश मुनि जी महाराज साहब के चंद कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। सेवाभावी तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब के चंद कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। समागत धर्म प्रेमी बंधुओं भाइयों बहनों एवं यहाँ पाठ पर विराजित आदरणीय महासचिव समागत धर्म प्रेमी बंधुओं भाइयों बहनों अभी आपने हमारे युवा संत बाल संत सचिन मुनि जी महाराज साहब से एक महान गुरुदेव का वर्णन सुना जो कि पुराने संत हुए पूज्य गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब उनके बारे में बताया। पुराने संतों के इतिहास अपने आप में एक हमारे अंदर नई ऊर्जा भरती है, नई ताकत का संचय होता है हमारे अंदर। आज जो कुछ ये नजारा है
आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपके सामने बैठे हैं, जो हमारे पहले पुराने गुरु भगवंत हुए हैं, पूज्य गुरुदेव बहादुर केसरी जी महाराज साहब, मोतीलाल जी महाराज साहब, गुरुदेव रूप सिंह जी महाराज साहब, उन सभी ने ये सेतु का काम किया हुआ है आप और हमारे को जोड़ने का। तो सज्जनों, इसी बीच में आज इस संविधान में, इस प्रांगण में, इस अवसर पर, इस मौके पर एक सामने, हमारे सामने एक बहन बैठी हुई है, विरागन बहन, मुमुक्षु बहन, मम्मी जी तैयार है, उसकी अनुमोदना में हम सब लगे हुए हैं। साथ में आज एक संकल्प और कर लो, क्या संकल्प करना, कि अगर कभी भी आपके अंदर भाव आ जाए ऐसी दीक्षा लेने के, तो माँ सती सुकृपा जी के पास ले लेना, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो, लेना देना बाद की बात है, संकल्प तो रख ही सकते हैं ना, ज्यादा कुछ नहीं, ताकि ज्यादा ज्यादा आप अपने फायदे की बात करते हो तो हम भी थोड़े मतलब ही अपने फायदे की बात करते हैं। आप अपना परिवार बढ़ाना चाहते हो, हम भी अपना परिवार, क्योंकि हमारा परिवार तो यही है जो आपको पाटे पर विराजमान दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, कि हमारा परिवार है और आपका परिवार तो आपको पता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे भाव बना सकते हैं और बालिका की संयम की अनुमोदना बनेगी, और ऐसा लगना चाहिए कि पुष्कर में बड़ी ऐतिहासिक दीक्षा होने जा रही है, जिसका हमेशा के लिए नाम लिखा जाएगा, सभी की और जहाँ पर साधु साधी आपत्ति मिल जाती है, साधु साधिकाएं आपत्ति मिल जाती है, आपकी क्या करते हैं जितने आप रुपया लगाओगे, जितने आप ज्यादा नाम लोगे, जितनी आप ज्यादा कुर्बानी बांधोगे, जितनी आप ज्यादा नहीं दिया जाता है, उससे अधिक अपने भावों को महत्व दिया जाता है। परमात्मा के और गुरुओं के चरणों में प्रणाम करने के बाद उपस्थित धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रावक बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों,
अभी आप श्रवण कर रहे थे हमारे छोटे संतों के द्वारा, आज परम पूज्य गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब का पुण्य स्मरण दिवस है। सचमुच में उन्होंने संयम लेकर के अपनी आत्मा को जिस तरह से तराशा, वैसे ही चतुर्विध संघ को उन्होंने तराशने का काम किया, क्योंकि वे प्रजापत परिवार के अंदर जन्मे थे। गुरु प्रजापत सारी था, घड़ घड़ काटे कोट, भीतर से रक्षा करे और ऊपर मारे चोट। सचमुच में गुरु वे होते हैं जो स्वयं गुणों में रुचि रखते हैं और अपने भक्त जनों को भी गुणवान बनाने की प्रेरणा देते हैं। भाग्यशालियों, इस नश्वर जीवन से हम उत्तम गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो इस मानव जीवन का हम उत्कर्ष कर सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने पूरे पुराने भजनों के द्वारा जनता को सुंदर शिक्षा देते हुए कहा है, उम्र छोटी सी वावा, उम्र छोटी सी क्यों मोटा मोटा पाप कमावे रे, उम्र छोटी सी आगे अपना बड़ा बदेरा लाखों वर्षों जीता रे, आगे अपना बड़ा बदेरा लाखों वर्षों जीता रे। अब तो छोटी उम्र में, अब तो 100 वर्षों की उम्र में होवे फजीता रे, उम्र छोटी सी वा वा, उम्र छोटी सी जो मोटा मोटा पाप कमावे रे, उम्र छोटी सी। परम पूज्य गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब हम सबको सत प्रेरणा देते हुए ये फरमा रहे हैं कि ये छोटी सी उम्र है, अपने को ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष से अधिक कोई जीने वाला नहीं दिखाई देता है। कोई भाग्यशाली होता है जो 2-4 वर्ष और अधिक ले ले, बाकी 100 वर्ष में तो यहाँ से फटाफट रवाना होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहा है, 10 डावलो 20 बावलो 30 तीखो 40 ठीको 50 पाको जरूरिया जी 50 पाको 60 थापो 70 सूढ़ियों 80 रूढ़ियों 90 नागो 100 में भागो। बस इतना सा टाइम लगेगा। यानी कहते हैं इस छोटे से जीवन के अंदर आपको कुंडे में रतन है, पहले तो समुद्र में रत्न था लेकिन अब तो अपने सामने कुंडे में रत्न है। इसलिए उस रत्न को निकालने के लिए कोई भाग्यशाली आत्मा तैयार होते हैं और अपने जीवन को विषय और कसाय से बचा करके जीवन को संयम के क्षेत्र में जोड़ देते हैं। मोतीलाल जी महाराज साहब की हमें उस सब धर्म के अंदर जुड़ने की प्रेरणा है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो उत्तम कार्य अपने जीवन में किया वही जीवन जीने के लिए आप और हम सबको भी वे ही सब प्रेरणा देते हैं। और वे कितने महान गुरु थे जिन्होंने अपने एक ऐसे शिष्य को तैयार किया जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर उन्होंने गौरवशाली कार्य किए, जीव दया के अद्भुत कार्य किए, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जनता को बहुत अच्छा लाभ दिया। ऐसे महापुरुष को तैयार करने वाले मोतीलाल जी महाराज साहब जिन्होंने अपने शिष्य को खूब आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे महान साधक रत्न परम पूज्य गुरुदेव शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब ने अपने गुरुदेव का नाम दिगंत के अंदर चमकाया और अपने गुरु को हमेशा ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। ऐसे आज हम यहाँ पर गुरुदेवों के धर्म शासन में अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
सचमुच में महापुरुषों का स्मृति दिवस मनाना आप और हम सब के लिए तब सार्थक होगा जब हम अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्य है मुमुक्षु लता बहन को जिन्होंने गुरुदेवों के उस उत्तम भाव को अपने जीवन में स्वीकार करने का लक्ष्य बनाया। एक झिटिया जैसे सामान्य ग्राम में जन्म लेकर के उन्होंने गुरुदेवों से सन्मार्ग प्राप्त किया और अपने जीवन को संयम के क्षेत्र के अंदर जोड़ने का प्राप्त किया। लता बहन अपने उत्तम भावनाओं से निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन का उत्कर्ष करे और गुरु गुरुणी के नाम को आगे बढ़ाए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले हो सकते हैं। गुरुदेव रघुनाथ मल जी महाराज साहब की संप्रदाय में ये लता बहन दीक्षित होने जा रही है। सचमुच में मोतीलाल जी महाराज साहब, श्रवण सूर्य मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब, बुद्ध मल जी महाराज साहब जिस समुदाय को बहुत आगे बढ़ाया, ऐसे समुदाय के अंदर ये आने वाली 6 तारीख को दीक्षा लेने जा रही है। इस मुमुक्षु बहना को देख करके और पूज्य गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब के स्मृति दिवस पर हम भी अपने जीवन में कुछ सद्गुणों को अपनाएंगे तो सच्चे अर्थों में मोतीलाल जी महाराज साहब का स्मृति दिवस मनाना और लता बहन के दीक्षा का अनुमोदन करना आप और हम सब के लिए सार्थक होगा। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए आज परम पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री सुखनमल जी महाराज साहब के सानिध्य में आकर हम एकदम हल्के हो गए। बस अब सारा भार बोझ प्रवर्तक के ऊपर हमारे राजस्थान के वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव सुखनमल जी महाराज साहब है। जब जब भी हमें कोई नया कार्य करना होता है तो प्रवर्तक श्री जी का आदेश लेना पड़ता है और यदि वो बात आचार्य तक पहुंचाने की होती है तो वो दायित्व प्रवर्तक का होता है। हम तो केवल जो भी आदेश और निर्देश देते हैं वो प्रवर्तक श्री जी से देते हैं, चाहे फिर चातुर्मास का कार्य हो, चाहे फिर और संघ में कोई विशेष उत्कर्ष का कार्य हो, तो हमारे लिए प्रवर्तक श्री प्रेरणास्पद होते हैं। ऐसे प्रवर्तक श्री जी के चरणों में और परम पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के द्वारा यह सुंदर राजा मल का बाग जो आज पुष्कर के अंदर एक अनूठा स्थान रखता है, ऐसे राजा मल के बाग में आकर के और गुरुदेव श्री प्रवर्तक जी की सेवा में आकर हम अपने आप को आज बहुत आनंदित महसूस करते हैं। और परम विदुषी महासती श्री इंदु प्रभा जी दर्शन प्रभा जी उन सभी को हम शुभकामनाएं देने आए हैं कि आपके परिवार में एक मुमुक्षु बहना की अभिवृद्धि हो रही है। ये बहुत श्रेष्ठतम कार्य है और जिन शासन के अंदर एक बहुत अच्छा उपकार का कार्य हो रहा है, इसके लिए तमाम पुष्कर वालों के साथ साथ बाहर गांव से आए हुए सभी भाई बहनों को बड़े उल्लास और आनंद के साथ में इस कार्यक्रम का हृदय से लाभ लेना है और अपने जीवन को परम पावन बनाना है, तो इन कार्यों में अपनी अनुमोदना देना हम सबके लिए सार्थक और कल्याणकारी होगा। भाई हस्तिमल जी खटोर इस सभा का संचालन करे ऐसा मैं चाहूंगा, क्योंकि उनके अंदर शब्दों की बड़ी अच्छी जो है उनके पास में ताकत है और पूरे मद्रास में पूरे साउथ में जब जब भी कोई अच्छे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हस्तिमल जी खटोर सभा का संचालन करते हैं। संचालक अगर जो है थोड़ा व्यवस्थित होता है तो हमारी सारी रूपरेखा जो है बहुत अच्छी होती है। भाई श्री प्रसन्न चंद जी दुगढ़ परिवार के द्वारा ये आयोजन अपने यहाँ पर हो रहे हैं। लाभार्थी परिवार दुगढ़ परिवार है, पुरडाया का परिवार है और पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव रखने वाला परिवार है, तो उनके साथ चेन्नई से काफी कार्यकर्ता और स्वधर्मी भाई आए हैं और उसमें भाई हस्तिमल जी भी आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि संचालन के कार्यक्रम का भाग लाभ हस्तिमल जी साहब को दिया जाए ताकि अपने सारे कार्यक्रमों को हम एक अच्छा रूप दे सकेंगे और अपने संघ की गरिमा और शोभा बढ़ा सकेंगे। सचमुच में धार्मिक सभाओं का व्यवहारिक रूप से संचालन श्रावक की तरफ से किया जाता है तो वे एक और आनंद की अनुभूति होगी। हस्तिमल जी 6 तारीख तक यहीं पर रुकने का भाव रखेंगे और
दुगड़ परिवार की तरफ से भी उनको हार्दिक आमंत्रण और वही लेकर के आए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री जी के सानिध्य में हमारे एक से एक कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो, इसके लिए सभी भाई तत्परता से अपना सुंदर सहयोग सहकार देंगे, जिससे आने वाले सारे कार्यक्रम अक्षय तृतीया के कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव मुरुगन केसरी जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस और साथ ही 6 तारीख को दीक्षा का भव्य कार्यक्रम पुष्कर तीर्थ के अंदर होने जा रहा है, वो सभी कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जाए, ऐसी भावना आप और हम सबकी रहनी चाहिए। इन्हीं भावों के साथ प्यारो प्यारो लागे नावकार इवड़े में मारे ओ बसियो, प्यारो प्यारो लागे नावकार इवड़े में मारे ओ बसियो, मंत्र गणो उपकारी है ओ गुण रो एक खजानो, मंत्र गणो उपकारी है पाच पदारो करनो, तोरी बेला आड़ो आवे पाच पदारो करनो, चोको चोको लागे नाव कार इवड़े में मारे ओ बसियो, चोको चोको लागे नाव कार इवड़े में मारे ओ बसियो, मन पंछी ने सगला दोष बितावे, और मोरा भोगी श्री पाल जी मन वांछित फल पावे, और मोरा भोगी श्री पाल जी मन वांछित फल पावे, पालो पालो लागे नावकार ज्ञान उपावे, लोभी पापी क्रोधी सुधरे पूरक ज्ञान उपावे, महामंत्र की माला फेरे भव सागर तिर जावे, महामंत्र की माला फेरे भव सागर तिर जावे, आचो आचो लागे नावे कार परमेश्वरी की महिमा मिल गावे, गौतम मंडल पंच परमेश्वरी की महिमा मिल गावे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने गावे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने गावे, अमृत गुट को लागे नाव कार इवड़े में मारे ओ बसियो, अमृत गुट को लागे नाव कार इवड़े में मारे ओ बसियो, प्यारो प्यारो लागे नाव कार इवड़े में मारे ओ बसियो, नवकार महामंत्र जिसके प्रति पूर्ण क्या है श्रद्धा आस्था रखें
और वह नौकार महामंत्र सभी कार्य क्या है पूर्ण करने वाला, उसके प्रति क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। और ही आज ही राजा मन के बाद इस मंदिर की श्री पारमार्थिक सेवा समिति में पुष्कर में ये भव्य आयोजन शहर में क्या है, पुष्कर वालों को क्या हो गया आपका प्रसन्न चंद जी दूगढ़, ललिता बेन, इनकी हार्दिक भावना रही कि बाल्यकाल से ही पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज का आशीर्वाद इन्हें क्या है प्राप्त हुआ, और वहां धार्मिक पाठशाला में इन्होंने क्या है अध्ययन किया, और तेजराज जी बम्बे जो धार्मिक पाठशाला को क्या है संभालते थे, उन्होंने क्या है ऐसे संस्कार दिए, और उन संस्कारों के कारण बाल्यकाल से इसकी भावना अवश्य थी कि दीक्षा लेना है, परंतु दीक्षा का क्या है उदय नहीं आया, और दीक्षा नहीं ले सके तो ये रहा कि दीक्षा बंद नहीं। और महासचिव जी इंदु प्रभा जी दर्शन प्रभा जी के प्रति बहुत ही क्या है आस्था श्रद्धा, और जब ये लता बहन की दीक्षा का प्रसंग आया तो इन्होंने भावना रखी कि भाई मेरे को ये दीक्षा का अवसर क्या है दिया जाए, और ये दीक्षा का अवसर इन्हें क्या है प्राप्त हुआ, और वह भी देखिए एक दिन भी क्या है उपवास की आराधना करना बहुत कठिन कार्य, और उसमें इन्होंने क्या है वर्षी तक की क्या है आराधना, और वर्षी तक प्रथम वर्षी तक किया, और वह प्रथम वर्षी तक का पारना जैसे क्या है आपकी गंगा देवी जयकरण करना, परंतु करुणा के कारण से उस समय क्या है नहीं हो सका वहां पर, और द्वितीय वर्षी तक की फिर क्या है ऐसे आराधना आरंभ कर दी, और द्वितीय वर्षी तक में भी अनेक क्या है कठिनाई आई, परंतु एक ही श्रद्धा मजबूत और देव गुरु धर्म के प्रति उनकी क्या है आस्था, और आस्था के कारण से नहीं मेरे को तो क्या है कुछ भी हो ये वर्षी तक की क्या है आराधना करनी है, और आराधना की तो ये देखो सहज में शिक्षा के साथ साथ पारणा कराने का भी इनको क्या मिल गया अवसर, बाकी इनकी भावना से क्या है सिर्फ शिक्षा कराने की, परंतु जो मुहूर्त निकला क्या है 6 तारीख का मुहूर्त 3 दिन के बाद ही क्या है मुहूर्त आ गया, तो शिक्षा का साथ साथ पारणा कराने का भी क्या है अवसर प्राप्त हुआ, और वडोदरा भूषण निगम मुनि महाराज ने पुष्कर का क्या है चयन किया, क्योंकि ये वैष्णव में तो क्या है अपने जैसे जैन में क्या है 68 अक्षर नौकार महामंत्र के 68 अक्षर एना जानो 68 तीर्थ सार 8 संपदा थी परमाणु अष्ट सिद्धि दाता, तो 68 अक्षर नौकार महामंत्र के वैसे 68 तीर्थ क्या है माने जाते हैं वैष्णव में, और 68 तीर्थों में तीर्थों का जो राजा है वह क्या है पुष्कर महाराज, और इस पुष्कर का क्या है आपने क्या है चयन किया, और चयन किया और यहाँ पर ये भव्य आयोजन वर्षी तप के पारणों का और दीक्षा का, और ये साथ साथ में मोतीलाल जी महाराज के आशीषी दिवस, कल गुरुदेव केसरी जी महाराज का क्या है दीक्षा दिवस, और उसके बाद उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज का दीक्षा दिवस भी क्या है आ जाएगा, क्योंकि उनकी दीक्षा क्या है छठ के दिवस हुई, तो वह भी क्या है प्रसन्न आ रहा है, ये सब साथ साथ क्या है कार्यक्रम के इनको क्या है लाभ क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है, और पुष्कर जो तीर्थ है यहाँ पर वैसे अनेक बार क्या है आना हुआ, और मेरा तो क्या है दीक्षा तो हुई मेरी टीम में, और बड़ी दीक्षा क्या है यहाँ पर, और भव्य आज बात के साथ में यहाँ पर क्या है दीक्षा हुई, उस समय ये राजा मल का जो बाग है ये लिया नहीं गया, उस समय तो हम क्या है लोडा के हवेली थी, लोडा का था, इसलिए यहाँ पर क्या है रुके थे, और यहाँ पर क्या है ये बड़ी दीक्षा का क्या है आयोजन,
पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज, जिन्होंने मर्दन केसरी जी महाराज से निवेदन किया कि यहाँ पर सभी जाति वालों की क्या है भवन है, परंतु जैन का क्या है भवन नहीं है, जैन समाज का भी क्या है भवन होना चाहिए, और उनकी विशेष प्रेरणा रही और मर्दन केसरी जी महाराज ने क्या है भावना रखी और वह प्रयत्न किया और प्रेरणा दी और ये भवन क्या है बना और ये जगह क्या है ली गई। ठीक है, इसका विकास अभी क्या है धीरे 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 हो रहा है, परंतु जो विकास की क्या है गति होनी चाहिए, जो दृष्टियों में क्या है एकदम विकास होने का क्या है होना चाहिए, ये क्या है कितने मौके की जगह और ये भी और सज्जन निवास भी क्या है बहुत मौके की जगह और ऐसी जगह को क्या है समाज को क्या है चाहिए, ऐसी जगह को दृष्टियों को चाहिए, ऐसी जगह का क्या है विकास हो और स्वधर्म भाइयों का संसदियों का क्या है बराबर क्या है लाभ प्राप्त होता रहे, ऐसी तो समाज का क्या है और इसमें क्या है और विकास हो रहे और ये प्रसंग आज क्या है प्राप्त हुआ हमारी चितरण में प्रसन्न चंद जी दूगा रविता बहन ने और साथ में उत्तरा भूषण सुखेंद्र जी महाराज ने हिंदू प्रवासी आदि ने बहुत आग्रह किया था कि शिक्षा के प्रसंग पर आपको क्या है आना ही है और ये दीक्षा के प्रसंग का विचार बनाया और उधर मेवाड़ में जो क्या है वहाँ पर भी हमने क्या है होली चौमासी का नक्की कर लिया और मेवाड़ में भी कुछ ही जगह जाने की क्या है भावना बनी और आखिर में एक विचार बनाया कि संकल्प किया कि दीक्षा पर क्या है पहुँचना ही, क्योंकि ललिता बहन जिसकी जो की मेरी जहाँ दीक्षा हुई वहाँ की उतरी और बाल्यकाल से इनका क्या है बहुत ज्यादा रहा और बहुत आग्रह होने से गर्मी में लंबे लंबे क्या है विहार भी करने पड़े, अनेक तरह की क्या है कथाएं हुई, परंतु एक मनोबल बना लिया संकल्प बना लिया उस संकल्प अनुसार हम क्या है आज प्रसंग पर क्या है पहुंच पाए और ये दीक्षा का कार्यक्रम अक्षय तृतीया का पालन का कार्यक्रम उल्लासपूर्वक क्या है हुए और इसमें सभी बराबर क्या है सहकार देवे, क्योंकि प्रसन्न चंद जी दूगट परिवार वगैरह ये तो क्या है मद्रास के रहने वाले और उनको यहाँ वालों का क्या है पूर्ण रूप से क्या है सहकार प्राप्त होगा तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से क्या होगा और पुष्कर संघ भी बहुत ही समर्पित संघ रहा है हमारा आज से लगभग 31 वर्ष पूर्व 21 साल हो गया 90 में यहाँ पर क्या है पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज का 3 महीने तक क्या है विराजमान हुआ था गर्भ में, हाँ 3-3.5 महीने और 15 दिन का तो बालक बालिकाओं का क्या है शिविर लगा था, इसमें 350 बालक बालिकाएं थे, भव्य शिविर का यहाँ आयोजन हुआ, महावीर जयंती का क्या है आयोजन हुआ और ये बड़ी दीक्षा का आयोजन हुआ, अनेक आयोजन क्या है होते रहे और पुष्कर संघ पूर्ण रूप से समर्पित होकर उन कार्यक्रमों का क्या है आयोजन करता रहा, तो पुष्कर संघ पूर्ण रूप से क्या है समर्पित रहे और बराबर सभी इस कार्यक्रम को क्या है उत्साहपूर्वक इसको क्या है करेंगे और ये पारने का कार्यक्रम दीक्षा का कार्यक्रम ये जो आयोजन हुए और इतने संसदियों का क्या है पदार्पण, हाँ संसदियां भी आना बहुत कठिन होता है परंतु ये इनकी क्या है पुण्यवाणी है इनका आग्रह है और उस निमित्त से सारे संसदियां क्या है बना रहे हैं तो आप लोग बराबर सहकार देंगे। कल अक्षय तृतीया का कार्यक्रम कारणों का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से होना है, आप लोग सभी बराबर साथ लेंगे। जय बोलो स्वामी रे स्वामी की जय हो।
से युग प्रधान आचार्य मोहन कुल तिलक अधिपति आचार्य रमनाथ जी महाराज ठाकुर सदा जी परम स्वर्गेय परम पूजनीय गुरु भगवंत नरदर के 1000 आन की श्रीमंत्री महाराज ठाकुर की चरणों में अभिनंदन। हमारे महान श्रमण मोतीलाल जी महाराज के चरणों में नमन। लोकमान्य संत मेरे राजस्थान प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के चरणों में वंदन अभिनंदन। श्रवण संघ के चतुर्पट दल आचार्य सम्राट श्री शिवमणि जी महाराज की सदा जय विजय। आज अर्श का विषय है, अर्श इस बात का है जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी। प्रसन्न जी वातावरण बना हुआ था लता बहन की क्या होने जा रही है, पर आज उस लता बहन को पाठ बैठा दिया गया। क्या बैठा दिया? पाठ पाठ बैठा दिया गया। जब पाठ बैठने के बाद वो भी जानती है, आप भी जानते हो, संसतियों के भी मन में खुशहाली है कि आज भाई जी कहीं बैठ गया, पाठ बैठ गया। आज मैं खुशहाली से बात की कि हमारे परम मित्र उप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज, उप्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज, हमारे रितेश मुनि जी महाराज, सभी संत मंडली और हमारे परम विदुषी महासचिव मंडल, एक लो मूलो एक लो सोबे बोले मानो भाई रहे रूप वाला के। इधर हमारे सती माँ मंडल, इधर संत, इधर सालक, इधर सारी, ये चतुर्थी संघ का मेला, ये सुंदर नजारा आपके सामने चर्चाएं आई। आप जानते हैं ये पुष्कर तीर्थराज राजाओं का राजा, तीर्थों का तीर्थ, जहां हिंदुस्तान का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि पुष्कर को नहीं जानता हो, और निरंतर दान पुण्य की यहां क्या प्रकार, चाहे वो किन्हीं रूप में करे, पर रोज दिन उपया भी न रहेगी और दान उपया भी न गई रेवे नहीं। उन धरा पर तीन तीन कार्य हो रहे, एक तपस्वी बहन लता जी ने तप किया, ललिता जी ने, पर ललिता जी अकेली नहीं गई, पूरे हिंदुस्तान से तपस्वी भाई बहनों का क्या आना क्या हो गया, शुरुआत हो गई, कल से आने क्या हो गए, शुरू हो गए। आदिनाथ भगवान के ये पार्वती का क्या प्रथा भगवान के समय से मारे मास का तप किया गया, पर आज वो स्थिति नहीं। कहते वर्षी तप, वर्षी तप का तो मतलब 12 महीने, पर होता क्या है 6 महीने, एक दिन पारना करना और एक दिन क्या करना, उपवास करना।
वर्ष तक जीवन में दो ही आत्मा की भगवान सतदेव और उनका पुत्र कौन जी। बाकी एक अंतर तप है पर लौकिक बांधव में इनको क्या बोलते हैं वर्षित तप के पार में इस अक्षय तृतीया 1975 में सरदेई गुरु महाराज मरधर के श्री श्रीमती महाराज जिन्होंने संसार को सार समझकर गुरु की वाणी का रसवान करते हुए क्या लिया संजम लिया जिनका 100 साल में क्या जयंती वो भी प्रसन्न दीक्षा जयंती दीक्षा जयंती है और दीक्षा के प्रसंग पर दीक्षा की भावना आती है ऐसे महापुरुष की दीक्षा जयंती पर हमारे लता बहन जो अभी आपसे 2 फुट ऊपर बैठी क्यों बैठी क्या कारण है ये है त्याग इनके जीवन में क्या छा गया हमारे रग रग छायो तेरा संग संग जब मैं हमारे रग रग छायो मेरा संग संग जब मैं लता मन में जान जब मैं मन में गुरनीम प्रवाजी गुरनीम प्रवाजी जानी शीष बनो जटवा जानी शीष बनो इनके मन में भावना जगी कि मैं मेरा किए क्रोध क्रोध हो गए आज तक कितो खेल जाना ही रण ही पाने का समय था माता पिता का अधिकार है पिता तो प्रसन्नचंद जी माता कौन है ललिता बहन पर नहीं बनाई थी सज्जन आदमी है वो देखे मेघ नहीं खाओ नहीं खाऊ तो आज ये पाठ मिठाई का समय भी हो गया अब समय आ रहा है कलाकार चीज है और 6 तारीख को लता बहन की क्या होने जा रही है इच्छा होने जा रही है ये प्रसंग हमारे सामने साथ ही हमारे गुरु महाराज मरधर के श्री मिश्री मंजी महाराज इनके गुरु भाई स्वामी जी मोतीलाल महाराज वैशाख सुदी भी सादरी के अंदर अक्षमान देवलोक आज उनका स्मृति दिवस महापुरुषों का जन्म महापुरुषों की दीक्षा और महापुरुषों का देवलोक तीन ही उत्तम होते हैं आज उनकी हम क्या क्या व्याख्या करें हमारी जवान छोटी है विद्या छोटी है और उनके ग्रंथ गुण क्या है बहुत मोटे हैं अब वो कैसे थे क्या थे तो एक मानते हैं कि उनका जीवन सफेद कपड़े के जैसा स्वच्छता उन्हें अपने जीवन में संयम की साधना करते हुए रूपचंद जी महाराज जरा चेला
वो जात के कुमार थे और रूपचंद जी महाराज जात के गुसाई थे। अब आप जान सकते हो इनके शिष्य ऐसे गुरु कितने मानो उनसे परख ले दिए, क्योंकि गुरु को आपने नहीं देखा है पर शिष्य को तो आपने क्या देखा है। ऐसे महापुरुष का ये स्मृति दिवस हमें संदेश देता है कि आज के दिन कुछ न कुछ त्याग बचकान व्रत नियम क्या हम ले उन महापुरुष का। आज आप जान रहे हो मद्रास बेंगलोर और भी जगह से प्रसन्न चंद जी के भाई गनाए जिनको साथ में लेकर ब्याह में कोई भी ले जावे, सगाई में कोई भी ले जावे, जीवन चुटन में कोई भी ले जावे, ये फिल्म चलाया ऐसे तीन तीन महान कार्य त्रिवेणी संगम उन पर आपको तीर्थ राज में लाए और तीर्थों का दर्शन कराते कराते इतने संतों के दर्शन हो गए, इतने मां सत्यों जी के क्या हो गए दर्शन हो गए, उनकी वाणी का आपको क्या मिलेगा लाभ मिल रहा है। एक एक वचन अगर आप जीवन में धार लो तो मद्रास जाओ जितने पांच दस वचन तो हो ही जावे, 20 वचन तो हो ही जावे, उन वचन के द्वारा भी आत्मारोग हो जावे, कल्याण हो जावे, ये पुनवानी प्रसन्न जी वाणी निमित्त किसी का ही। हमारे विनय मुनि जी महाराज ने बार बार कहो ललिता बहन ललिता बहन ललिता बहन मान लियो ललिता बहन की है और आपके साहब की लड़की है पर प्रसन्न चंद जी ने घर नहीं आती तो ललिता बहन प्रसन्न चंद जी के घर, क्योंकि इनके वरुण अरुण और वरुण दो लाल ऐसे हुए जिन लालों ने माता पिता की इच्छा को क्या की पूर्ण की, तो ये जीवन पुत्र वही होता है। कल भी मैंने बताया कि माँ बाप की इच्छा नहीं करे वे बेटा नहीं है कि लुगैर इच्छा पूर्ण करे वो कमजोर है, माँ बाप की इच्छा पूर्ण करता है वो सुपुत्र कहलाता है। आज इनके बेटों ने ये सुंदर आयोजन या पुष्कर तीर्थराज में किया है। कल है पारना एसएस मर्दर केसरी जैन भवन में होगा, वहां आप देखोगे वहां की व्यवस्था इनके पुत्रों ने अरुण ने वो व्यवस्था की, वे लोग नहीं जानता क्या तैयारी व्यवस्था कही हो जाए पर कहा है जहाँ नाम है वहाँ काम क्या है, जहाँ नाम है वहाँ क्या है, हमें डबो एक खर्चनो नहीं जो सा माने हेड़ो हो जावे जो कन्नू किता दिया लोगों को बढ़िया तो जेब में काट दिया बिना काम क्या दिल खोल के काम कर रहे हैं। और ये सभी आयोजन और हमारे मेरा भार कुछ हल्का होगा क्यों हो गया हमारो भार अरे बताए जिन्हें गौतम मुनि है जिन्हें विनय मुनि है बराबरी के संत है हमारे साथ ही, तो साथ ही मिले तो दोनों भार नहीं गए हमको है। इन वास्ते मैं आपने एक ही बात कहूँ कि आज ऐसे अवसर पर आप अपने जीवन में अभी आपने कहा कि बाजी राजा मल का भाग अभी उन्नति नहीं हुई, आप बहुत वर्षों से देखा है उन्नति काफी हुई है ऊपर कुछ नहीं था सारे कमरे क्या नए बने हैं और भी कार्य हुआ है पर मूल बात है
आप जो पैसा नहीं, पैसा की ओर कार्यकर्ता, कार्यकर्ता धार में ये काम होना, वो काम क्या है। अबे सतवीर संघ का क्या आना हुआ है, ये गुरु महाराज की वो संस्था है जहाँ जैन समाज को जरूर जाते, जैन समाज को जाते जरूर थी वो संस्था है। हम तो चाहते हैं बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान बनता है और धीरे सुंदर सुंदर फल क्या है लगते हैं, तो वो फल भी लगेंगे और सब प्रकार से ये गुर्दर केसरी पारमार्थिक समिति इनके अंतर्गत एस एस मर्दर केसरी जैन भवन जो बन रहा है 18 कमरे क्या बन चुके हैं, वो मूल बात एक ही है कि जब संत यहाँ आ जाते हैं तो सत्यों को क्या करते हैं तकलीफ पड़ती, जब सत्य यहाँ रहती है तो संतों को क्या करते हैं, तो वो तकलीफ का निवारण करने के लिए क्या क्या समिति वाला ने उठाया है। और ये सब प्रकार से आज मैंने मालूम है खाने भूख लगी नहीं है, खाने लगी तो मन ही लागे कोई नई बात नहीं, माँ सत्य जी कोई सबको लगती है, पर मैं आप देखा हूँ कि आप लगे भी नहीं जा रहे हैं, नहीं जा तैयार है आप अपने जीवन क्या आए ऐसा बनाओ कि यहाँ से जाने पर उनके हमारे संस्कृति में उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन अलग थलग हो गया। अभी हमारे गौतम धोनी जी ने कहा संचालन संचालन अच्छे भी अच्छा करता कोई बात नहीं, पर याद रखो प्रसन्नचंद अभी आपके घर में काम है, बाकी वो भी संचालन कंपनी के बोलने में क्या है, बहुत अच्छे हैं और कुछ कविता भी बनाता है अच्छे अच्छे शब्दों का क्या संचय करता है, ये भी सरस्वती जी क्या है मेहरबानी, लक्ष्मी और सरस्वती साथ में जब रहती है तो समझ लेना सोना में क्या आ जाती है सुगंध आ जाती है, तो ऐसे जीवन के अंदर सोना में सुगंध भरनी है तो माल तो उठे खा होता पर पहली माल मैं दे दिया, मैं दे दिया पहली माल मैं खिला दिया कि प्रभु महावीर की वाणी में जो जो बातें हमें दिखाई जा रही है सिखाई जा रही है उन बातों को हम जीवन में उतारे जीवन में, तो आप सही समय हो रहा है कि एक ही बात कहता हूँ, अब जिनको कोई पंचखान करना हो भाई ने तो उपवास हो चुक लिया और कोई पचकान हो पचकान कर सकते हो, आज त्यागियों का दिन है, इनका मोतीलाल जी महाराज के ये पुण्यतिथि का दिन है, त्याग का दिन त्याग में होना कुछ न कुछ त्याग आपको क्या है करना है, तो मैं सामूहिक त्याग कराता हूँ सब हाथ छोड़ो जितने बैठे हो रो मत सारा ने दीक्षा नहीं कर क्यों घबराते, सारे हाथ जोड़ लो भाई भाई आज भोजन के समय खूब डट के खाना उनमें मैं मना नहीं कर रहा, पर कोई झूठा नहीं डालना झूठा नहीं डालना और पांच पांच नौकार मंत्र गिनने के बाद फिर खाने पीने का क्या देखा, अब सर देखना धारणा प्रमाणे किताबी क्रिया भी ये सुंदर नजारा आप देख रहे हैं, कल आका थी
समा मर्दर के श्री सामने में होती वहाँ भी आप देखोगे और मन में भाग लेगा मंगल है। हाँ एक बात है, हमारे पुष्कर तीर्थराज ये बार बार की समिति ये समिति चाहती है कि मेरा घर खोल भरे उनके आगे ये पांच बैठ गई है आते हैं खोल गई है जरूरी है आ जाओ भाई आ जाओ भाई ऐसा मेरा आप सभी से सर्वत निवेदन है। और सभी दिन
आप गौतम प्रसादी का भी लाभ मिला और इन्हें गाँव के साथ मैं अपने हरे पुष्कर री नगरी रे माए बाकी तारो मेलो लाग्यो रे बज गए हैं और गुरुदेव के भी पाले पर धूप आ गई है, ज्यादा समय नहीं है। कुंकड़ परिवार द्वारा जो ये विशाल आयोजन 6 तारीख तक जो विशाल आयोजन परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य के अंदर वर्षी तप के पारने एवं हमारी लता बहन की दीक्षा का कार्यक्रम ये आज से लगा करके 6 तारीख को शाम तक सभी प्रोग्राम के अंदर और सभी कोई भी प्रोग्राम हो सब चुके नहीं और मारो तो वही क्या उन्होंने 6 तारीख तक सब जना आप चौको बंद कर विशेष कर लुगाया ने क्या उन्होंने क्या चौको बंद करो तो धने अपने आप हटा जाएगा। इन वास्ते आप थोड़ा तो ध्यान रख जो और आप रसोई बंद कर दीजिए। अरे मैं चौको बड़ी बड़ी लुगाया घर के मैंने सास बाकी बुआ तो घरे रही मैंने परमिशन मैंने वो बुआ नहीं आवे तो बुआ ने भी घरे छोड़ आए और सास वन निवेदन है पूरा परिवार से परिवार समेत और आज शाम हाँ एक शाम आज पापा रे नाम क्योंकि बाकी झगड़ो छोड़े पर मैं बहुत कुछ कहूँ पर आज शाम में कहूँ आप रहो मन मटन जो ललिता जी को वर्ष तक पारनो है और लता जी बहन की विशाल इच्छा है और आपने जैन इतिहास का मैंने कई माँ बेटे इतिहास में बढ़िया और गुरु महाराज की जयंती है देखो वर्षी तपरो पारनो है और यही इच्छा है और आप मारवाड़ी हाँ आप चावा एक बच्चा का मान अगर कोई दो काम हो जाओ तो अगर ललिता जी की अगर भाव बढ़ावे ललिता जी की अगर भाव बढ़ावे तो गुरु परिवार कोई तकलीफ नहीं है। हाल चार दिन और बढ़िया है ये तो पाठ विराज किया पाठ मत विराज किया सुरेश जी सुरेश जी खाई गया खुद ही बैठ जाओ। हाँ देखो थावड़ा के मैं तो थावड़ा का नाम देखो मैंने थावड़ा की पहली बात तो बेटी हिंदू प्रभा जी महाराज साहब थावड़ा के मैंने दीक्षा लियोड़ा सुकुन मुनि जी महाराज साहब और थावड़ो पी एक ही बाजे मानो पी थावड़ो तो पीर लार बाजे और मक्को थावड़ा को बाप जी सगड़ लिया बच्चे मानो तो लेनी चाहिए और मानो तो की माता बोली कोनी बाप जी क्योंकि मारो सास रो है जयपुर पिन आवे हिंदी मन आवे मारवाड़ी मैं गाड़े हिंदी में गड़े और मैं गाड़े मारवाड़ी में गाड़े बोलो तो बाप निकल जाए मैं लड़ाई शुरू हो गई ज्ञान को तो मन नॉलेज निवेदन है सब कार्यक्रम के मायने और आज शाम का ठीक 7 बजे संगीत सम्राट विनोद जी एक विशाल संगीत दीक्षा के पावन प्रसंग पर और भक्ति तपरा पावन प्रसंग पर दीक्षा स्थल के ऊपर विशाल भक्ति संध्या रखी गई है और सबको निवेदन है 7:30 बजे ठीक आप गणों वगैरह सब जिम गौतम प्रसादी जिम 7:30 बजे आप पधार दो और 6 तारीख तक शाम तक सब जनों ने आपने गुरुदेव का पावन सानिध्य में दीक्षा और भक्ति तरफ कार्यक्रम का मायने सबने ज्यादा ज्यादा संख्या में मायने भाग ले गुरुदेव धूप आएगी बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। सामूहिक नमस्कार और मंगल पाठ सामूहिक वंदना वंदामी लोकम स्वामी।
मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम दानम सुधर्मानाम जैनम लेति साधनम सर्वारिष्टनाथाय सर्वारिष्टार्थदायिनाय सर्वलब्धि विनानाय श्री गौतमा स्वामिने नमः चतारे मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो दम्मो मंगलम चतारे लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पनतो दम्मो लोगत्मा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंता शरणं पवज्जामि सिद्धा शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतो दम्मो शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न करना कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका घर में लड़की पकता है।